सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर ही दाव खेल दिया है। राय विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली को भाजपा ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। मोहनलाल बड़ोली को जिले में सांसद रमेश कौशिक के बाद दूसरा बड़ा ब्राह्मण चेहरा होने का फायदा मिला है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ोली के निवास पर जमकर मिठाइयां और लड्डू बांटने के साथ साथ खुशी से झूमते हुए नजर आए और रंग गुलाल भी खूब उड़ाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और लास्ट ईयर तो हमारे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है बड़े भाई को, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद बोलता हूँ। और हम शीर्ष नेतृत्व की हम हरियाणा में 10 सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालेंगे। अब की बार 405। मैं सोनिया मोर अध्यक्ष महिला मोर्चा सोनीपत बोल रही हूँ। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया और मन की बात जो प्रधानमंत्री जी की थी, हमारे भी मन की बात प्रधानमंत्री जी ने सुनी और हमारे कर्मठ ईमानदार और बिल्कुल साधारण श्री मोहनलाल बड़ोली जी को सोनीपत लोकसभा टिकट दी गई। और वो बहुत ही कर्मठ नेता हैं और वो बहुत ही साधारण इंसान हैं और वो सबके लोकप्रिय हैं। और अब की बारी 400 पार का नारा पूरा जाएगा और हम सब जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सभी हर जगह कमल का फूल खिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री जी को और अन्य जो शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद बोलते हैं कि मोहनलाल बड़ोली जी को उन्होंने लोकसभा की टिकट दी। और वो हमें पता है कि वो खूब भारी बहुमत से जीतेंगे और हम आगे भी वो इसी तरह से जैसे अभी एक MLA के तौर पे और महामंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, ऐसे ही वो आगे एक MP के तौर पर काम करेंगे और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उनको टिकट मिली। बहुत खुशी कर दी है, मैंने बहुत खुशी है। अच्छा, आपके बेटे को टिकट मिल गई है? आज पूरे सोनीपत जिले में हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के दिल में खुशी है। मोहनलाल बड़ोली जैसे नेक और कर्मठ कार्यकर्ता को आज टिकट मिली है, इसका धन्यवाद पूरा हर कार्यकर्ता मोदी जी का, पूरे संगठन का धन्यवाद कर रहा है कि उन्होंने मोहनलाल बड़ोली जी को टिकट दी है। और मैं आपको कार्यकर्ताओं के सानिध्य में खड़े होकर कह रहा हूँ कि कम से कम 360,000 वोटों के मार्जिन से जीतेंगे मोहनलाल बड़ोली जी। ऐसे नेक कार्यकर्ता को जो टिकट देकर इन्होंने एक हमारे जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए हम पार्टी के संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनको आश्वासन दिलाते हैं कि कार्यकर्ता आज पार्टी के साथ खड़ा होकर उनको कम से कम 360,000 वोटों से जिताएगा। आपका, पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृहमंत्री अमित शाह जी का, नड्डा जी का और पूरे संगठन का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को आज सोनीपत जिले की टिकट दी है। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आश्वासन देते हैं कि बहुत भारी मार्जिन से उनको जिताकर हम संसद में बिठाएंगे।